दोस्तों, क्या आप भी न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं? क्या आप भी न्यूजीलैंड का वीजा पाना चाहते हैं? क्या आप भी 8वीं पास, 10वीं पास, या फिर एक स्किल्ड प्रोफेशनल या फिर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हैं? तो भैया, आपको जो है आज की इस वीडियो में मैं सभी वीजा की जानकारी देने वाला हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि न्यूजीलैंड के कौन कौन से वीजा आपके लिए अवेलेबल हैं दोस्तों, और कैसे आप उन वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन से वीजा के लिए क्या रिक्वायरमेंट लगने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है दोस्तों, कैसे आपको वीजा मिल सकता है, सारी की सारी जानकारी जो है आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों। फिर चाहे वो स्टडी वीजा हो दोस्तों, वर्क वीजा हो, विजिट वीजा हो, या फिर स्ट्रेट टू रेजिडेंसी वीजा हो, आप किसी भी टाइप का वीजा लेना चाहते हैं, जानकारी पाने बहुत जरूरी है। आपको जो है आज न्यूजीलैंड के इमिग्रेशन वेबसाइट पे लेके जाऊंगा और वहां पर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको जो जानकारी लेनी है दोस्तों। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं पब्लिक इंजन। पहले भी न्यूजीलैंड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बना रखी है दोस्तों मैंने, और आज भी दोस्तों आपके लिए एक नई जानकारी लेके आया हूं। बहुत सारे लोग आकर के जो है डीएम्स में पूछते हैं, कमेंट्स में पूछते हैं कि सर मैं इतने साल का हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, और मेरे को कौन सा वीजा मिल सकता है, सर मेरे को बताइए प्लीज प्लीज प्लीज। हर मतलब बंदा आके यही पूछता है कि मेरे को कौन सा वीजा मिल सकता है, क्योंकि वीजा कैटेगरीज बहुत सारे डिवाइडेड है दोस्तों। इसीलिए ये चीज क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको जो तरीका बताने वाला हूं, इस तरीके के जरिए जो है आप अपने लिए अच्छा वीजा ढूंढ सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस पर्पस के लिए वहां जा रहे हो, आपकी एज कितनी है, आप कहां से आते हो, इंडिया से आते हो, नेपाल से आते हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान कहां से आते हो, आप सारी चीजें जब डाल देते हो दोस्तों तो आपकी कंट्री के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से आपके सामने आपके वीजा ऑप्शंस आ जाते हैं दोस्तों। अभी आपका ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, अभी पहले मैं आपको डायरेक्ट मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूं और आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको जो है अपने वीजा ऑप्शंस जो है डिसाइड करने हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए ले चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। आपको यहां पर आप देख सकते हैं कि हम गूगल पे आ चुके हैं। गूगल पे आने के बाद हमें जो है दोस्तों गूगल पे सर्च करना है न्यूजीलैंड इमिग्रेशन। जैसे ही आप इतना टाइप करके सर्च करोगे, आपके सामने जो है सबसे पहली वेबसाइट जो है न्यूजीलैंड के गवर्नमेंट वेबसाइट आ जाएगी दोस्तों, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की। आप इस पे जाकर के खुद के लिए वीजा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहां पर इमिग्रेशन न्यूजीलैंड लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों दूसरा पेज खुला है, यहां पर आपको ऊपर ही देखने के लिए मिलेगा न्यूजीलैंड वीजाज। यहां पर आपको एम्प्लॉय माइग्रेंट्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, असिस्ट माइग्रेंट्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद न्यूज सेंटर देखने के लिए मिलेगा। तो हम न्यूजीलैंड वीजा वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों बहुत आसानी से। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहां पर एक और ऑप्शन आएगा आपको देखने के लिए मिलेगा, एक्सप्लोर एंड सिलेक्ट वीजा। हमें एक्सप्लोर एंड सिलेक्ट वीजा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना दोस्तों। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज हमारे सामने आएगा दोस्तों। हमें ध्यान रखना है कि हमें किस पे क्लिक करना है और कैसे हमें जो है अगले पेजेस पे जाते रहना है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा दोस्तों। अब जैसे ही हम एक्सप्लोर वाले वीजा पे आ जाएंगे दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर एंड सिलेक्ट न्यूजीलैंड वीजा टू। अब आप क्या करने के लिए वीजा सिलेक्ट करना चाहते हैं, यहां पर सिलेक्ट के बगल में जो है आपको एक बार देखने के लिए मिलेगा, उस पर हम ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहां पर जो है आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं यहां पर आप विजिट करना चाहते हैं न्यूजीलैंड, या फिर अपने वीजा को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है वर्क करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, उसके बाद ज्वाइन और ब्रिंग फैमिली, अपनी फैमिली को जो है ब्रिंग करना चाहते हैं, लेके जाना चाहते हैं वहां पर, या फिर अपनी फैमिली को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई आपका ऑलरेडी वहां पर काम कर रहा है उसको ज्वाइन अगर आप करना चाहते हैं दोस्तों तो वो ऑप्शन भी है आपके पास। ठीक है, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी वीजा है, और डायरेक्ट परमानेंटली रहना चाहते हैं वहां पर न्यूजीलैंड जाकर के तो उसके लिए भी वीजा है दोस्तों। तो अगर आप वीजा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको इसी हिसाब से सिलेक्ट करना है दोस्तों, आपको अपना पर्पस सिलेक्ट करना है। तो अभी हम वर्क पे बात कर लेते हैं दोस्तों, वर्क वीजा अगर हमें चाहिए तो कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, यहां पर डाल दिया मैंने आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर एंड सिलेक्ट न्यूजीलैंड वीजा टू वर्क। उसके बाद अब यहां पर पूछा जा रहा है आई डैश अ जॉब ऑफर, यहां पर मतलब पूछा जा रहा है आपके पास जॉब ऑफर है या नहीं है। यहां पर देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करते ही हैव और डू नॉट हैव का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास ऑफर है तो आप हैव पे क्लिक कीजिए, नहीं है तो डू नॉट हैव पे क्लिक कीजिए। मोस्ट ऑफ द लोगों के पास जो है ऑफर नहीं होगा तो वो डू नॉट हैव पे ही क्लिक करेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आई एम ट्रैवलिंग ऑन अ पासपोर्ट फ्रॉम सिलेक्ट कंट्री, यहां पर आपको जो है कंट्री सिलेक्ट करनी है दोस्तों। ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा लेकिन हम यहां पर डायरेक्ट इंडिया टाइप करके सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद नीचे लिखा है आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, आप कितने साल के हैं। सपोज आप 40 साल के हैं, मैं अपने एज के हिसाब से नहीं सिलेक्ट करूंगा दोस्तों, आप 40 साल के हैं तो आपको वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा और कौन सा वीजा मिलेगा। तो मैंने 40 डाल दिया यहां पर। 40 डालने के बाद डिस्प्ले ऑप्शंस, इसके बाद जो है यहां पर नीचे की तरफ जो है हमारे सामने वीजा ऑप्शंस आ चुके हैं दोस्तों। यहां पर केयर वर्क फोर्स वर्क टू रेजिडेंस वीजा, स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी रेजिडेंट वीजा, उसके बाद स्ट्रेट टू रेजिडेंस वीजा, ट्रांसपोर्ट वर्क टू रेजिडेंस वीजा, वर्क टू रेजिडेंस वीजा, पार्टनर ऑफ अ स्टूडेंट वर्कर वीजा, उसके बाद बिजनेस विजिटर वीजा, उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, पार्टनर ऑफ अ वर्कर वर्क वीजा, उसके बाद ग्लोबल इंपैक्ट परमानेंट रेजिडेंस वीजा, टैलेंट कल्चर वर्क वीजा,
उसके बाद स्पेसिफिक वर्क वीजा, ठीक है। इन सभी वीजा टाइप्स पे जो है आप क्लिक करके जानकारी पा सकते हो दोस्तों। अगर आप इनमें से किसी भी वीजा के बारे में जानकारी पाना चाहते हो दोस्तों, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके जो है नीचे आपको व्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। व्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। दिस वीजा इज फॉर यू इफ आप वहां जाकर के काम करना चाहते हैं, आप एम्प्लॉयड हैं, आपके पास एम्प्लॉयमेंट ऑफर है और वो भी एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर द्वारा है, तो आपको ये वीजा मिल सकता है दोस्तों। क्राइटेरिया भी आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है इफ यू आर 55 और अंडर व्हेन यू अप्लाई, तो आपको इस वीजा में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप अगर बोल सकते हैं, समझ सकते हैं अंग्रेजी, तो आपको इस वीजा में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है दोस्तों, ठीक है। रोल रिक्वायरमेंट आपको जो है इसमें सपोर्ट करना पड़ेगा, जो भी रिक्वायरमेंट्स मांगी जाएंगी इस केयर वर्क फोर्स वीजा के लिए, उसको जो है आपको फुलफिल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये वीजा नहीं मिलेगा, ठीक है। हाउ लॉन्ग कैन आई स्टे ऑन दिस वीजा, इफ यू मीट द वीजा कंडीशंस इनडेफिनेटली, यानी कि आप रह सकते हैं, इसमें कोई मतलब लिमिट नहीं है, अगर आप वीजा कंडीशंस रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल करते हैं तो, ठीक है। विद दिस वीजा यू कैन, आप क्या कर सकते हैं, लिव मतलब रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, अपने पार्टनर को भी बुला सकते हैं दोस्तों, और आपके 24 साल के बच्चे या 24 साल के नीचे के बच्चे को बुला सकते हैं, उससे बड़े बच्चों को नहीं बुला सकते आप, ठीक है। आफ्टर दिस वीजा इफ यू कंप्लाई विद द वीजा कंडीशंस यू कैन अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी, आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये सारी की सारी जानकारी जो है आप इसी तरीके से जान सकते हैं। आप किसी और वीजा के जानना चाहते हैं तो यहां पर आप जो है स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी रेजिडेंस वीजा जो है उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहां पर व्यू कर लीजिए। व्यू करने के बाद जो है नीचे आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी, सारी की सारी जानकारी आप जो है देख सकते हैं दोस्तों अपने लिए, और हर टाइप की जानकारी पा सकते हैं, कितनी मतलब क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए किस वीजा के लिए, कितने पैसे लगने वाले हैं दोस्तों, फीस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, सारी जानकारी आपको ऐसे ही मिल जाएगी दोस्तों। आप चाहे तो दो वीजाज को कंपेयर भी कर सकते हैं, जैसे अभी ये स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी रेजिडेंट वीजा है, इस पर क्लिक कर रखा है मैंने, उसके बाद मैं इसमें से वर्क टू रेजिडेंस वीजा को क्लिक कर लेता हूं, ठीक है। नीचे की तरफ जाएंगे, दोनों को क्लिक किया है, व्यू एंड कंपेयर का ऑप्शन आएगा दोस्तों, यहां पर व्यू एंड कंपेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप जानकारी पा सकते हैं कि किसमें आपको क्या चीजें मिलने वाली है। स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी रेजिडेंस वीजा एक कॉलम में आ चुका है, दूसरे कॉलम में आप देख सकते हैं वर्क टू रेजिडेंस वीजा आ चुका है, ठीक है। ये पूरी की पूरी जानकारी ले लीजिए दोस्तों, और उसके बाद जो है आप खुद के लिए वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप काम करने नहीं जाना चाहते हैं, आप पढ़ने जाना चाहते हैं, तो स्टडी के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं स्टडी करने जाना चाहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद आई वॉन्ट टू स्टडी इन न्यूजीलैंड फॉर 6 महीने से ज़्यादा के लिए पढ़ना चाहते हैं, 6 महीने से कम के लिए पढ़ना चाहते हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 6 महीने से कम वाला सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिया से कर रहे हैं, तो इंडिया टाइप कर लिया दोस्तों। आई एम कितना ईयर ओल्ड, लेस देन 18 ईयर्स ओल्ड और 18 साल से ऊपर है, तो आपको सिलेक्ट कर देना है दोस्तों। मैं 18 साल से ऊपर हूँ, मैंने सिलेक्ट कर लिया है। डिस्प्ले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं 5 वीज़ा ऑप्शन आ चुके हैं। तो इसी टाइप से दोस्तों आप जो है खुद के लिए एक बढ़िया वीज़ा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा वीज़ा लेना चाहिए, कौन से वीज़ा पे जो है आपको न्यूजीलैंड जाना चाहिए, ठीक है। हर वीजा में जो है आपको जॉब की जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों, और जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको न्यूजीलैंड के अलग अलग वेबसाइट्स पर जाना पड़ेगा, खुद के लिए जॉब सर्च करनी पड़ेगी और जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जब आपको जॉब मिल जाती है दोस्तों, तभी आप वीजा ऑप्शंस के साथ जो है आगे बढ़ सकते हैं। आपको जॉब मिल जाएगी तो और भी आपके पास अच्छे ऑप्शंस आ जाएंगे, और आप उन वीजाज के लिए बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही ईजी सा प्रोसेस होने वाला है। साथ ही अगर आप जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो न्यूजीलैंड फॉर्मेट के सीवी और कवर लेटर के साथ ही कीजिएगा दोस्तों, अदरवाइज आपको रिस्पॉन्स आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर न्यूजीलैंड फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक ही चीज आपसे बोलूंगा दोस्तों कि जल्द से जल्द जो है जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कीजिए, ताकि आपको भी वीजा मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।